नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम हर्षिका है। हमारी आज की न्यूपिका कार्ड रीडिंग है कर्मों के ऊपर, कि आपने अपनी लाइफ में कैसे कर्म करें और उनका कैसा फल आपको मिलेगा। तो इस रीडिंग में जो मैं कर्मिक एनर्जी को पकड़ूंगी, कि ये रीडिंग डेस्टिनी के ऊपर नहीं है कि आपके भाग्य में क्या लिखा है, ये उस बारे में नहीं है। ये उस बारे में है कि आपने कैसे कर्म करे हैं इस लाइफ टाइम में या पास्ट लाइफ टाइम में, और उनका कैसा फल आपको मिलने वाला है फ्यूचर में। सो आप सोच समझ के कोई एक ही पाइल चुनिएगा। हमारे पास तीन सिंबल्स हैं। पहला है सिंबल ऑफ जेमिनाई, जो सिंबल है जेमिनाई का। दूसरा हमारे पास है द सिंबल ऑफ राहु केतु, मीन्स द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द मून। तीसरा हमारे पास सिंबल है ओम, एंड द ओम इज़ द सिंबल ऑफ यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। सो हमारे पास तीन सिंबल हैं। आपको इन तीनों में से कोई एक ही सिंबल को चुनना है। थोड़ा सोच समझ के, ध्यान से मेडिटेट करके चुनिएगा, और या फिर आप उस सिंबल को चुनिए जो आपको अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, जो आपको अपनी तरफ खींच रहा हो, आप उसी सिंबल को चुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने पहले वाले सिंबल को चुना है ना, यानी कि द जेमिनाई को, कि आपने अपनी लाइफ में कैसे कर्म किए हैं और उनका कैसा फल आपको मिलेगा। सो जिन्होंने ये वाले पाइल को चुना है, आपने काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स करी हैं अपनी लाइफ में। बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स वाला कार्ड है। ये ऐसे कर्मों को दिखाता है जिनको करने के बाद आपको आपके मन में कहीं ना कहीं गिल्ट है, कहीं ना कहीं रिग्रेट है। ये वाला जो है आपकी गलतियों को दिखाता है, कि आपने अपनी लाइफ में बहुत सी ऐसी गलतियाँ करी हैं। ये एक ऐसे कर्म है जो ना ही आपने इंटेंशनली करें। ये कैसे कर्म है जो हो सकता है आपने दूसरों के मैनिपुलेशन में आके करे हो, जिसको करने को के बाद ना आपको उनको करने का बहुत ज़्यादा गिल्ट है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, और कहीं ना कहीं आपको इन कर्मों के बारे में पता है और आपको इनका एहसास है। ये जो कर्म है आपके सेक्सुअल गिल्ट को लेके हो सकते हैं, कि आपने पास्ट में किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया हो, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट है, या फिर आपको आपने किसी पास्ट लाइफ साइकिल में, पिछले जन्मों में किसी के साथ ऐसा कोई सेक्सुअल कर्म किया है जिसको लेके आपको गिल्ट है। और ये गिल्ट आपके सोल लेवल पे हो सकता है, कि आपकी आत्मा को अंदर से बहुत ज़्यादा गिल्ट है। तो ये वाला जो कार्ड है बहुत ज़्यादा गिल्ट और रिग्रेट को दिखाता है, कि आप अपनी पास्ट की गलतियों को लेकर बहुत ज़्यादा रिग्रेट में हैं, बहुत ज़्यादा गिल्ट में हैं। और ये ऐसी गलतियाँ हैं जो आपने जानबूझकर नहीं करी। मतलब एक वो कर्म होते हैं जब हम सोच समझ के प्लान बना के किसी को धोखा देते हैं और किसी के साथ कुछ चीज़ें चुराते हैं। तो ये ऐसे कर्म नहीं है जो आपने जानबूझ के किए हो। ये एक ऐसे कर्म है जो आपने किसी को दुख पहुंचाया है, किसी को धोखा दिया है, लेकिन ये सब कुछ अनजाने में है। आपने कॉन्शियसली ऐसा कोई प्लान नहीं किया, कुछ नहीं किया, ये सब कुछ अनजाने में हुआ है। या फिर ये ऐसे गलतियां हैं जो आपसे अनजाने में हुई हैं। जितनी भी गलतियां आपने अपने बचपन में करी हैं, ये वो गलतियां हैं जो बहुत ज़्यादा अनजाने में हुई हैं, लेकिन आपको इस बात को लेके, इन सारी चीज़ों को लेके अपने मन में बहुत ज़्यादा शर्म है, गिल्ट है। स्कूल लाइफ में आप, हो सकता है आपके स्कूल लाइफ में आपने ऐसी कोई गलतियां करी हों, आपने कॉलेज लाइफ में करी गई हों, और इनमें से इन चीज़ों के बारे में आपने किसी को बताया तक नहीं है, अपने अंदर ही रखी है इन बातों को। तो ये उन कर्मों को दिखाता है। दूसरा हमारे पास जो कार्ड है, द फुल मून कार्ड, यानी कि कार्ड ऑफ कंप्लीशंस। सो मून हमेशा हमें इमोशनल साइकिल्स को दिखाता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें आपने, कुछ ऐसे कर्म हैं जो आपने करे हैं, जो आपने पूरे के पूरे अपने इमोशंस में बहकर कर दिए। ऐसे कर्म जैसे ही, जैसे समुंदर के पास जब आता है, जब फुल मून होता है, जो सी का लेवल होता है ना, वो हमेशा अप हो जाता है। समुंदर की लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठने लगती हैं। सो इसी तरीके से आपकी जो इमोशनल साइकिल है ना, किसी टाइम पर बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ आई और आपने कुछ ऐसी गलतियां कर दी। मे बी गुस्सा आ गया आपको बहुत ज़्यादा, आपने किसी को बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया, या फिर कोई रिलेशनशिप ऐसे ही तोड़ दिया, या कुछ तो ऐसी गलतियां हैं जो आपने प्लान बना कर नहीं करी है, बस हुई हैं, और आपको इन सब चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा गिल्ट है। और ये सब आपके इमोशन से कनेक्ट करती हैं, माइंड से नहीं, मेंटल बॉडी से नहीं, इमोशनल बॉडी से, इमोशन से कनेक्ट करती है, कि इमोशनल में बहकर ये गलतियां करी हैं आपने। दूसरा वाला कार्ड है द रियलाइजेशन। सो आपको रियलाइजेशन है, आप जानते हैं ये गलतियाँ क्या है, आपको इन सब चीज़ों का डीप रियलाइजेशन है। अगर
अगर आप दूसरों की बातें ना सुन के सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर की बात सुने, अपने अंदर की आवाज़ सुने, जैसे कि ये पर्सन है, इसने अपने एक कान बंद कर लिया है ताकि वो अपने अंदर की आवाज़ सुन सके, अपने इंट्यूशन की बात सुन सके। अगर आप अपने अंदर की आवाज़ सुनेंगे तब आपको इन कर्मों के बारे में पता चलेगा, अपनी गलतियों के बारे में पता चलेगा। सो ये ऐसी मिस्टेक्स हैं या ये एक ऐसे कर्म हैं जो मतलब इमोशंस पे बहकर अनकॉन्शियसली किए गए हैं, जिनको लेकर आपको काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है, काफ़ी ज़्यादा गिल्ट है। सो ये इमोशनल मिस्टेक्स हैं मोस्टली। दूसरी बात है द कार्ड ऑफ फॉरगिवनेस, मीन्स इन सारे कर्मों के लिए जो आपने खुद ने किए हैं अपने इमोशंस में बह के, आपको अपने आप को माफ़ करना सीखना होगा। बहुत मुश्किल होता है अपने आप को माफ़ करना। सो ये कार्ड यही बताता है कि आपको अपने आप को का माफ़ करना पड़ेगा और चूज़ टू बी लव, और अपने आप को ये समझाना पड़ेगा कि कोई बात नहीं, गलतियाँ होती है, गलतियों से ही इंसान सीखता है, गलतियों से ही हमें सीखने को मिलता है। तो अपने आप को माफ़ करके अपने आप को दोबारा एक्सेप्ट करना और अपने आप से प्यार करना, ये आपको सीखना पड़ेगा। ये कार्ड लर्निंग कार्ड बताते हैं। दूसरा वाला कार्ड भी है द मून गॉडेस पैपीज का कार्ड। तो मून वाले फेसेस बहुत ज़्यादा हैं, मींस एक तो है कि आपके अंदर की फेमिनिन एनर्जी पे ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपके अंदर की बहुत, आप में बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, लेकिन इमोशनल ब्लाइंडनेस को ज़्यादा दिखाता है। एक होता है इमोशनल इंटेलिजेंट, लेकिन इमोशनल ब्लाइंडनेस से होने वाली मिस्टेक्स या जो भी कर्म आपने करें, क्योंकि आप अपने खुद के इमोशंस में अंधे हो गए या अंधे हो गई, इस वजह से करी हुई गलतियाँ आई हैं। दूसरा कार्ड है हमारे पास हीलिंग कार्ड। ये कार्ड हमें दिखाता है कि जो भी पास्ट के कर्म हैं उन्हें हील करना सीखिए, और इनमें से कुछ ऐसे भी कर्म आए हैं जो आपकी फैमिली की तरफ से हैं, आपके कर्मिक इम्प्रिंट में कुछ ऐसे कर्म हैं जो आपको आपके एंसेस्टर और फैमिलीज़ की तरफ से मिले हैं। आप उन कर्मों को भी हील करना सीखिए और अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करें। नेक्स्ट कार्ड है दैट कार्ड ऑफ द टेम्परेंस कार्ड। ये कार्ड एक बैलेंस की तरफ बताता है कि आपकी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना ये आपका कर्म है, भाग्य नहीं है, ये आपके कर्म है, कि ये आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खुद के कर्म है कि आप अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस करेंगे। अगर आप भगवान भरोसे बैठे रहते हैं कि भगवान मेरे लिए ये कर देंगे, भगवान मेरे लिए वो कर देंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। आपकी लाइफ में बैलेंस, हारमोनी, पीस क्रिएट करना आपके कर्म है। अगर आप अपनी लाइफ में शांति चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, तो आपको खुद ही आगे बढ़ के कर्म करने पड़ेंगे, तभी चीज़ें बदलेंगी। सो ये थे आपके कर्म, जिसमें आपको ज़रूरी है अपने आप को माफ़ करना, अपने आप से प्यार करना सीखना, अपनी गलतियों से सबक लेना और अपने लाइफ में बैलेंस और कंट्रोल लाना, ये आपका काम है। सो थैंक यू सो मच जिसने इस वाले पाइल को चुना है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप प्राइवेट रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरा ईमेल नीचे दिया गया है। थैंक यू सो मच। अब देखते हैं जिन्होंने राहु केतु को चुना है कि आपके कर्म कैसे हैं। सो आप में से जिसने भी इसे चुना है, तो पहला कार्ड आया है द लाइट एक्टिवेशन का। शाइन योर लाइट, योर इनर गाइडेंस इज कमिंग। लाइट एक्टिवेशन मीन्स ये आपकी ज़िंदगी में अंधेरा, दर्द, पेन, ये सब आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ था कि आपकी ज़िंदगी में दुख आएंगे, आपकी ज़िंदगी में चैलेंजेस आएंगे, आपकी ज़िंदगी में दर्द आएगा, लेकिन आप उन्हें कैसे फेस करते हैं, नो डार्कनेस में शाइन कैसे होते हैं, ये आपके कर्म है। क्योंकि आपकी डेस्टिनी में ऐसे परीक्षाएं लिखी हुई है, दर्द लिखा हुआ है, डार्कनेस लिखी हुई है, लेकिन इस डार्कनेस में भी आप कैसे शाइन करेंगे। जैसे ये कार्ड है सनत कुमार वाला, डार्कनेस में वो खड़े हैं लेकिन वो खुद वाइट लाइट से शाइन कर रहे हैं। सो यही आपके कर्म है कि आप अपने आप को कैसे शाइन करते हैं इन डार्कनेस में, कैसे आप इन इस डार्कनेस को फेस करते हैं, कैसे इस दुख को फेस करते हैं और कैसे आगे बढ़ते हैं, ये आपके कर्म है। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो आप इसी डार्कनेस में रह जाएंगे, अपनी ज़िंदगी के अंधेरे में खो जाएंगे, लेकिन आप कर्म करेंगे तो इस डार्कनेस में शाइन करेंगे। लाइट एक्टिवेशन, अगर डार्कनेस दी गई है तो उसका एक पर्पस है। अगर आपको दुख, दर्द और चैलेंजेस दिए जाते हैं तो उनका एक पर्पस है, ताकि आप शाइन कर सकें।
दूसरी बात ये है कि द पैरासाइट्स कार्ड आया है, मीन्स आप अपने आप से अनअवेयर हैं, आप में से आप अपने आप को जानते नहीं हैं, अपनी चीज़ों को नहीं जानते. यू नो पैरासाइट्स, पैरासाइट्स वो होते हैं, वो कीड़े मकोड़े होते हैं जो छुपे हुए होते हैं. पैरासाइट एक ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पे एक को तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और दूसरे को नुकसान होता है. सो आप अपनी ज़िंदगी के उन रिलेशनशिप्स को नहीं जानते जिसके अंदर एक ही पर्सन को फ़ायदा होता है, जो आपके साथ है उसे आपसे पूरा पूरा फ़ायदा मिलता है लेकिन आपको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, बल्कि आपके अंदर की जो लाइफ फोर्स है, जो एनर्जी है, वो सक हो रही है. आपके अंदर की सारी लाइफ फोर्स निकल रही है उन रिलेशनशिप से और आप उन रिलेशनशिप को नहीं जानते क्योंकि वो पैरासाइट्स हैं, वो छुपे हुए हैं. सो क्योंकि ये जो दूसरा पहला वाला कार्ड आया है वो डार्कनेस का कार्ड आया है. जहाँ पे डार्कनेस होती है वहाँ पे पैरासाइट्स होते हैं. जैसे कि आप अपने घर में जैसे ही लाइट बंद करते हैं, डार्क हो जाता है तो सारे कॉकरोचेस बाहर आ जाते हैं, और जैसे ही लाइट ऑन होती है सारे कॉकरोचेस अंदर चले जाते हैं. जो जितने भी पैरासाइट्स होते हैं वो हमेशा डार्कनेस में होते हैं. सो ये सब चीज़ें आपकी डेस्टिनी में ऑलरेडी लिखी हुई हैं कि आप ऐसे रिलेशनशिप में रहेंगे जो पैरासाइट्स की तरह होते हैं, जो आपसे पूरा पूरा फ़ायदा लेंगे और फिर वो भाग जाएंगे, आप ही को दुख पहुँचाएंगे. तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन पैरासाइट्स को बाहर निकालना, इनको अपने से निकाल के बाहर फेंकना. चाहे वो रिलेशनशिप आपके ब्लड के क्यों ना हो, खून के क्यों ना हो, लेकिन अगर वो पैरासाइट्स हैं, अगर वो आपसे आपकी एनर्जी, आपके लाइफ फोर्स खींच रहे हैं और आपको इमोशनली ड्रेन कर रहे हैं, तो आपको ही उन्हें बाहर निकालना है. ये आपके कर्म है. दूसरा कार्ड आया है द फायर, द पैशन. मीन्स आपके अंदर कुछ चेंज करने का एक फायर जलती रहती है. आप चेंज करना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा चेंजेस करना चाहते हैं, क्योंकि आग का फायर का काम होता है चेंज करना, ट्रांसफॉर्म करना. जस्ट लाइक अ डिवाइन फायर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, फायर चेंज कर देती है, या खाने को चेंज कर देती है. अभी हमने कच्चा खाना रखा है, उस पर पकाएंगे वो पक जाएगा. तो ऐसी ही चेंज की जो आग आपके दिल के अंदर जलती रहती है और आप चेंज करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पैशन होगा आपके अंदर, आप चीज़ें करना चाहते हैं जो नहीं कर पा रहे हैं, एक आग सी जलती रहती है आपके अंदर. दूसरा कार्ड यही वाला कार्ड आया था, फैमिली वाला कार्ड आया है, एंसेस्टर फैमिली. इसके अंदर जो है लोग बातें बना रहे हैं, ये सारे स्पिरिचुअल टीचर्स हैं जो आप में बातें कर रहे हैं. तो ये कार्ड दिखाता है कि इन्हीं पैरासाइट्स रिलेशनशिप्स के बारे में दिखाता है कि ये जो पैरासाइट रिलेशनशिप हैं, ये आपके अपने फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके चाचा ताऊ हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं. तो ये कैसे लोग हैं जो पैरासाइट्स की तरह हैं आपके अपने रिलेशनशिप, और ये आपके बारे में बातें करते हैं, वे काफ़ी ज़्यादा बातें करते हैं, और ये आपको इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं कि हमने तुम्हें जन्म दिया है, तुम हमारे लिए ये करो वो करो. तो एक तरीके का इमोशनल मैनिपुलेशन चलता है इन रिलेशनशिप को. तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इन रिलेशनशिप्स को पहचानें, इमोशनल मेंटल मैनिपुलेशन से बाहर निकले और अपने पैशन को फॉलो करें. दूसरा कार्ड है द ट्रैप कार्ड. तो जैसे कि मैंने बताया, आपकी लाइफ में ये दुख, दर्द, पेन सब कुछ डेस्टिनी में लिखा हुआ था. एक प्रिजन कार्ड भी आया, मतलब आपकी लाइफ में, आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ था कि आप एक प्रिजन में जन्म लेंगे. प्रिजन में मतलब रियल के प्रिजन में नहीं, जैसे कि आप जिस फैमिली में जन्म लेंगे वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, और आप वहाँ पे अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पाते, आप बहुत ज़्यादा फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं. सो ये सब आपके डेस्टिनी में था, लेकिन कर्म है कि आप इनसे कैसे बाहर निकलते हैं एंड द न्यू बिगनिंग, कैसे अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं, ये आपके कर्म है. टेक द एक्शन, कैसे आप एक्शन लेते हैं, कैसे आप आगे बढ़ते हैं, कैसे आप नई शुरुआत करते हैं, ये सब आपके कर्म है. डेस्टिनी में नहीं है कि सब कुछ अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा, नहीं होगा. टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं होगा. जब तक आप कर्म नहीं करते, एक्शन में नहीं लेते, कुछ भी न्यू बिगिनिंग स्टार्ट नहीं होगी. दूसरा हमारे पास कार्ड आया है द 11. सो ये जो लड़का है, ये स्टूडेंट है, इसने यूनिफॉर्म पहन रखी है. सो आपकी लाइफ में ये जितने भी एक्सपीरियंस हुए हैं, बैड एक्सपीरियंस हुए हैं, इनसे आपको सीखने को मिला है, या बहुत कुछ सीखने को मिला है. आपने सब कुछ सीखा है. यू नो इतनी ज़्यादा डार्कनेस में ही शाइन करना, ये आपके कर्म है. सो इतने सारे डार्कनेस में आपने सीखने को मिला है कि आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, लर्निंग एक्सपीरियंस.
सो जितने भी एक्सपीरियंस मिलते हैं आपको पैट, उसे एक लर्न की तरह देखिए, एक लेसन्स की तरह लीजिए और सीखिए, क्योंकि यही बहुत सारे लाइफ लेसन्स आपको मिलेंगे, बहुत सारे लाइफ लेसन्स से आप सीखेंगे और अपने खुद के कर्म से, अपने खुद की मेहनत से आप आगे बढ़ेंगे और न्यू बिगनिंग की शुरुआत करेंगे। आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके भाग्य में लिखा हो कि आपको इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी मिल जाएगी, आपके पेरेंट्स आपके लिए छोड़ जाएंगे, या सब कुछ आपको घर बैठे बिठाए मिल जाएगा, आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होगी। नहीं, ऐसे आपके भाग्य में नहीं लिखा है। लिखा है कि आप स्ट्रगल करेंगे, सीखेंगे, दर्द झेलेंगे, तभी आप एक्शन लेंगे और तभी आप आगे बढ़ेंगे। सो ये थी आपकी रीडिंग जिसने राहु केतु के सिंबल को चुना है। सो अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। दूसरा है द सिंबल ऑफ ओम, कि आपने अपनी लाइफ में कैसे कर्म करे हैं, उनका फल कैसे मिलेगा आपको। इसमें पहला कार्ड आया है मेरे पास द सेक्रीफाइस कार्ड, मीन्स आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत बहुत सेक्रीफाइस करे हैं, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करे हैं, अपने खुद की खुशियों के सेक्रीफाइस करा है, दूसरों की खुशियों के लिए अपनी खुद की खुशियों को छोड़ दिया है, ऐसे सेक्रीफाइस करें, एक के बाद एक आपने अपनी लाइफ में सेक्रीफाइस करें। और ये सेक्रीफाइस करना आपकी वीकनेस नहीं है, आपके अंदर की स्ट्रेंथ है। ये आपके अंदर की स्ट्रेंथ को बताता है कि आप में कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, इसलिए आप इतने ज़्यादा सेक्रीफाइस कर पाए। दूसरा जो कार्ड है वो है द लव का कार्ड। सो ये बताता है कि आपने जितना भी प्यार दिया है लोगों को, वो बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत ही दिल से दिया है। ऐसा प्यार नहीं है जो जिसमें आपने कुछ ऐसा गिव एंड टेक का आप चाहते हैं कि आपके बीच में बैलेंस बने, कि मैंने इतना किया है तो मुझे भी इतना मिलना चाहिए। तो आपने लोगों को एक जिससे भी आपने प्यार किया है अनकंडीशनली लव किया है, जैसे कि एक डॉग नहीं होता, वो अनकंडीशनली लव करते हैं, लॉयल रहते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं। तो ये आपके कर्म है कि आपने अनकंडीशनली लव किया है और सेक्रीफाइस किया है अपनी लाइफ में। सो दूसरा जो कार्ड है वो हमारे पास है द डेविल कार्ड। ये जो कार्ड है बताता है कि प्यार आपने बहुत किया है, सेक्रीफाइस आपने बहुत ज़्यादा किया है, लेकिन एक जो होता है मेंटल अवेयरनेस, यू नो, आप लोगों के गेम्स को नहीं समझ पाया, आपने जो होती एक मेंटल कॉन्शियसनेस नहीं है आपके कर्मों में, कि आप लोगों के माइंड को समझ पाएँ, उनके गेम प्लान को समझ पाएँ, कि कौन से ऐसे लोग हैं जो आपको मैनिपुलेट करते हैं, कौन सी ऐसे ईविल आई है जो आप पे कर्ज करते हैं, जो आपसे सब कुछ सीखना चाहते, सब कुछ छीन लेना चाहते हैं, सीखना नहीं चाहते, ऐसे ईविल आई मॉनिटरिंग है कि कैसे वो आपसे सब चीज़ें छीनना चाहते हैं। इन लोगों के लिए आप बिल्कुल ही अनअवेयर रहे हैं, इन चीज़ों से प्रोटेक्ट करना, ये सेक्रीफाइस कार्ड एक वॉरियर कार्ड की तरह भी है कि रक्षा करना। सो अपनी खुशियों की रक्षा करना आपको सीखना चाहिए, ये आपके कर्म है कि आप कैसे बचाते हो अपनी खुशियों को या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को। एक तो है कि आपका दिल बहुत बड़ा है, आप सेक्रीफाइस करते हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अब्यूज़ सहन करने लग जाओ। कोई आपके बारे में कुछ भी बोल रहा है, कोई आपसे कैसे भी बदतमीजी से पेश आ रहा है, आपको मार रहा है और आप वो सुनते जा रहे हो, तो ये गलत है। यू नो, एक वॉरियर बनने वाली चीज़ें आपके अंदर है कि आप कैसे इनसे बचाते हो अपने आप को, अपने अपनों को, ये आपके कर्म है इस ज़िंदगी में। दूसरा कार्ड भी यही है, द कार्ड ऑफ द प्रोटेक्शन। तो ये जो एक प्रिस्ट है, इसके ऊपर ड्रैगन अटैक कर रहा है, ये प्रिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ड्रैगन को से कैसे बचे। तो यही आपके कर्म है कि आप कैसे बचाते हो अपने आप को, कोई आपको अब्यूज़ कर रहा है, आप कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, कोई आपके माइंड को कंट्रोल करना चाहता है, कोई आपके साथ गेम्स खेल रहा है, आप कैसे बचाते हो अपने आप को और अपने अपनों को, ये आपके कर्म है। दूसरा कार्ड है द प्रिजन कार्ड। ये कार्ड हमें दिखाता है एक ऐसे घर के बारे में जिसकी खिड़की दरवाजे बंद है, इसका मतलब है कि ये जेल है। सो आप एक ऐसी ज़िंदगी में हो, ऐसे लोगों के साथ हो जो जहाँ पे आप खुश नहीं हो, जहाँ पे आपकी खुशियाँ नहीं है। हाँ, प्यार आपके दिल में तो 100% प्यार है, अनकंडीशनल लव है, आप सेक्रीफाइस भी बहुत ज़्यादा करते हो, लेकिन आप एक सज़ा की तरह
वो कर रहे हो, झेल रहे हो, दूसरों की खुशियों के लिए अपनी खुशियों को सेक्रीफाइस कर रहे हो, अपने आप को इस जगह पे फंसा हुआ महसूस कर रहे हो, सो ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे आप अपने आप को इस प्रिजन से बाहर निकालते हैं, कैसे आप अपने आप से प्यार करना सीखते हैं। क्योंकि ये जो अनकंडीशनल लव है वो दूसरों के लिए है अभी तक, तो ये से अपने से अपने आप से प्यार करना और अपने लिए स्टैंड करना आप कैसे सीखते हो, ये आपके कर्म है। दूसरा कार्ड है द धर्मा अनफोल्डेड। सो आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं वो गाइडेड हैं, आपको एक नई डायरेक्शन दिखाई जाएगी, चूज अ न्यू डायरेक्शन, एक नई डायरेक्शन आपको दिखाई जाएगी जिससे जिससे आप इस प्रिजन से बाहर निकल सकें, जिससे आप अपने आप को आज़ाद करवा सकते हैं। ये प्रिजन फैमिलीज़ का भी हो सकता है, रिलीजियस प्रोग्रामिंग का भी हो सकता है, एंसेस्टर्स बिलीफ का भी हो सकता है, आपके फाइनेंसिस का भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का जिसके अंदर भी आप फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, इससे बाहर निकालने के लिए आपको डिवाइन की तरफ से एक रास्ता दिखाया जाएगा और आपको उस रास्ते पे चलना, ये आपके कर्म है कि किस तरीके से आप उस रास्ते पे चलते हैं, अपना स्पिरिचुअल वर्क करते हैं। और ये रास्ता क्या है, कब है, ये आप ही को पता होगा कि आपको एक नया रास्ता डिवाइन की तरफ से दिखाया जाएगा, एक नया दरवाज़ा खोला जाएगा, ये आपकी डेस्टिनी है कि आपको खोला जाएगा, दिखाया जाएगा, लेकिन उस पर चलना आपके कर्म है कि आप कैसे चलते हो। ब्लेसिंग्स, आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं, द रेनबो ब्लेसिंग्स, बहुत सारे लोगों के बहुत ज़्यादा पास्ट लाइफ का, आपने बहुत ज़्यादा पुण्य करे, अच्छे कर्म किए, तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा खुशियाँ हैं कि आपको अच्छी ज़िंदगी मिले, आपको अच्छी जॉब मिले, अच्छा करियर मिले, ब्लेसिंग्स हैं आपके पास। लेकिन सेम टाइम पे ये इविल लाइफ मॉनिटर भी है कि कोई है जो आपसे ये छीनना चाहता है और आपको उनसे बचाना, अपने आप को बचाना और इन सब चीज़ों से बाहर निकलना, नो इस प्रिजन से बाहर निकलना आपके कर्म है। आपको नई दिशा दिखाई जाएगी, अगर नई दिखाई गई है तो आप बहुत जल्दी जब आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, सुनेंगे, तो आपको पता चल जाएगा आपकी लाइफ की कौन सी नई दिशा है जो आपको दिखाई जा रही है, दिखाई जाएगी, उस पर चलना या न चलना आपके ऊपर है। तो ठीक है, तो ये थी हमारी पायल नंबर 3 की रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी पर्सनल ईमेल लेने में इंटरेस्टेड हैं वो ईमेल कर सकते हैं। प्लीज़ बेल बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।